हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो सीरीज़ में SEO हिस्ट्री और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। SEO और इसके इम्पोर्टेंस को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इसके पास्ट को पीछे मुड़ कर देखने की ज़रूरत है। SEO ऐसा माना जाता है कि SEO का जन्म 1991 में हुआ था। इस टाइम के अराउंड वर्ल्ड की फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च की गई थी और जल्द ही कई वेबसाइटों का निर्माण हो चुका था, जिस वजह से इंटरनेट पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी। इसीलिए स्ट्रक्चर और एसेसिबिलिटी की बहुत बड़ी आवश्यकता थी और वर्ल्ड का पहला सर्च इंजन बनाया गया था। पिछले कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण विकास हुए सर्च इंजन के अधिक कॉमर्शियल वर्जन के साथ, जिन्हें हम आज के रूप लेते हुए पहचान सकते हैं। फरवरी 1993 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 6 छात्रों ने मिलकर आर्किटेक्ट बनाया, जो बाद में सर्च इंजन excite.com बन गया। कुछ जैसे सर्च इंजन लैंड SEL का कहना है कि एक्साइट ने सूचनाओं को ऐसे लिस्टेड किया गया था जिसने वर्ल्ड में क्रांति ला दी, जिससे मटेरियल और बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन में पाए गए कीवर्ड के आधार पर रिजल्ट को छांटकर जानकारी मिलना आसान हो गया। जून 1993 मैथ्यू ग्रे ने वर्ल्ड वाइड वेब वंडर की शुरुआत की, जिसे बाद में onedex.com के नाम से जाना जाने लगा। अक्टूबर 1993 मर्टिजन कॉस्टर ने अली वेब की शुरुआत की, जो साइट के मालिकों को अपने स्वयं के पेज को अनजान दुर्भाग्य से कई साइट मालिकों के लिए सबमिट करने की अनुमति देता है। दिसंबर 1993 कम से कम 3 वोट फैड सर्च इंजन मौजूद हैं, जंप स्टेशन, अली वेब, स्पाइडर और वर्ल्ड वाइड वेब वार्मर, जिसका अर्थ है कि वेब रोबोट द्वारा सर्वर और साइट मटेरियल दोनों को कॉल करने के लिए और रिजल्ट देने के लिए ऑपरेट किया गया था। 1994 अल्टा विस्टा, इन्फोसी, लाइकोस और याहू सर्च इंजन सभी सफल हुए। हालांकि 1996 में SEO ने वास्तव में उड़ान भरी, जब गूगल के को फाउंडर लैरी पेज और ब्रिंग ने एक सर्च इंजन का निर्माण शुरू किया, जिसे वे शुरू में बैकरब कहते थे, जो अब तक का सबसे बड़ा, सबसे अधिक मान्यता प्राप्त सर्च इंजन बन गया है। बैकरब, आपने सोचा था कि मैं गूगल कहने जा रहा हूँ, आप सही हैं, क्योंकि बैकरब अंत में गूगल बन गया। अप्रैल 1997 आस्क जिप्स को पेश किया गया, जो बाद में ask.com बन गया। सितंबर 1997 google.com एक डोमेन के रूप में रजिस्टर्ड हुआ। यह ध्यान देने योग्य है कि लगभग 12 साल बाद जून 2009 में माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग जारी किया। इसके पिछले वर्जन को लाइव सर्च, विंडो लाइव सर्च और MSN सर्च के रूप में भी जाना जाता है। शुरुआती दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर SEO ही आता है। जैसे जैसे सर्च इंजन अधिक इम्पोर्टेंट और कम्प्रेहेंसिव रूप से उपयोग किए जाने लगे, साइट के मालिक समझदार होने लगे। जैसे कि SEO कम्युनिटी मोज कहते हैं, ये पता चलता है कि कुछ नॉर्मल वर्क करके सर्च इंजन परिणाम में हेरफेर किया जा सकता है और इंटरनेट से रुपए कमाए जा सकते हैं। शुरुआत में SEO के मामले में कुछ खास नहीं चला, क्योंकि नियम तेज और ढीले थे। इसीलिए मार्केटिंग टेक्निक हैकिंग का प्रयोग करके सर्च इंजन रिजल्ट पेज में उच्च रैंक के लिए कीवर्ड स्टफिंग और स्पैमिंग लिंक का लाभ उठा सकते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। SEO विकास, गूगल ने कुछ ऐसा करने का अवसर देखा जो अन्य सर्च इंजन में नहीं था। इसने अपने एल्गोरिदम अपडेट पर काम करना शुरू किया, जो कस्टमर को वास्तव में जो सर्च करना चाहते हैं उन्हें वही जानकारी मिले, क्योंकि गूगल अपने कस्टमर को सही जानकारी देना और यूजर एक्सपीरियंस को भी अच्छा करना चाहता है। तब से अब तक सैकड़ों एल्गोरिदम चेंज किए गए हैं और SEO तेजी से विकसित हो रहा है, जिससे मार्केटर अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज का पता चला है। अगर वीडियो पसंद आई हो, इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए
हमारे चैनल को, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।